गोविंदगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की महिला लिपिक के गलत और झगड़ालू आचरण की वजह से विद्यालय का स्टाफ धरने पर बैठ गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य घनश्याम गुप्ता ने बताया कि महिला लिपिक स्कूल टाइम ज्यादातर समय फोन पर निकालती है और महिला विद्यालय के काम पर नहीं करती। जब उससे सरकारी कार्य के लिए बोला जाता है तो वह झगड़ने पर उतारू हो जाती है। आज जब एक स्कूल स्टाफ ने महिला बाबू को काम के लिए बोला गया तो उन्होंने बाबू के ऊपर जूते उठा ले, जिसके विरोध में स्कूल का सारा स्टाफ धरने पर बैठ गया। स्टाफ के अन्य साथी ने बताया कि महिला बाबू का व्यवहार पिछले काफी दिनों से स्कूल के अनुकूल नहीं है। वह किसी से भी झगड़ा करने पर उतारू हो जाती है, जिसकी वजह से स्टाफ में हमेशा अनबन बनी रहती है। महिला बाबू से कोई भी काम की कहीं ने तो वह स्कूल का काम नहीं करती। स्टाफ के सीनियर व्यक्ति पर जूता उठाने पर स्कूल के सभी स्टाफ नाराज हो गए। वह महिला बाबू के विरोध में विद्यालय के मेन गेट पर बैठ गए। मामला बढ़ता देख उपखंड अधिकारी ने स्कूल के स्टाफ को उपखंड कार्यालय पर बुलाया व मामले को समझा। स्टाफ को समझाने के निर्देश दिए और महिला बाबू के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। तब जाकर विद्यालय स्टाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन से उठे और स्कूल के काम पर लौट गया। उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर ने परीक्षा अवधि में अपनी स्टडी करती है, मोबाइल चलाती है, कहने पर मानती नहीं है, जो कि बोर्ड देना है। आज बोर्ड को इस बारे में सूचना भेजी जा रही है और अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। आज जो उन्होंने एक स्टाफ कर्मी पर जूता उठाया था, वो क्या मामला है पूरा, जिसको लेकर आपका स्टाफ धरने पर बैठा था? आज साफ नहीं होगी और उनको जो है स्थिति ठीक नहीं लगी। अभद्र भाषा के द्वारा सुमन मैडम द्वारा प्रयोग किया गया। स्टाफ में किसके खिलाफ उन्होंने ये जूता उठाया था, इसकी सूचना आज भी करना है। आज कुछ भेज दी जाएगी एसडीएम साहब को, किसके खिलाफ एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया जाए। मेरे बारे में